ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इनेलो बसपा काई का नहीं कर पाया कमाल, जाट और एससी वोटरों को नहीं कर पाए लामबंद। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इनेलो सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। तो इसी बीच सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इनेलो के सबसे दमदार नेता अभय चौटाला भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इनेलो नेता एक और इस चुनाव में सरकार बनाने की बात कहते नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इनेलो को उम्मीद अनुसार कोई परिणाम नहीं मिला। इनेलो को ना तो जरूरी 3 विधायक मिले और ना ही पार्टी को 6% वोट मिले। इनेलो को इस चुनाव में 4.14% वोट मिले हैं। सवाल यह है कि क्या महज इतने वोटों के प्रतिशत के साथ इनेलो की मान्यता रद्द हो सकती है? बीते 4 चुनावों में इनेलो तय मापदंडों पर खरा नहीं उतरी है, तो ऐसे में किसी रीजनल पार्टी का क्या रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकता है? सवाल यह भी कि अगर इनेलो का रजिस्ट्रेशन खत्म होता है तो सिंबल किसी अन्य को दिया जा सकता है? आपको बता दें कि हरियाणा में इनेलो और बसपा ने गठबंधन में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। बसपा ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और बाकी की सीटों पर इनेलो के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर इनेलो की जीत हुई। डबवाली सीट से आदित्य चौटाला कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सिहाग से महज 610 वोटों से जीत पाए, तो वहीं रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की। अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा पंजाब की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन न करने का निर्णय लिया है, जबकि बसपा ने एनडीए और इंडिया गठबंधन से पहले ही दूरी बनाई हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बसपा का वोट गठबंधन की पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है और उस हानि से बचाने के लिए अब वो पंजाब और हरियाणा की पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगी। अब मायावती ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। अब देखना होगा इनेलो के लिए क्या सियासी परिस्थिति रहती है। आपका इनेलो को लेकर क्या कुछ कहना है, राय रखे साथी चौगड़दे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।